अमित शर्मा की स्टार प्रचारक उनकी मां बनी श्रीमती कृष्णा देवी। दिनांक 28/1/2022 दिन शनिवार को गाजियाबाद विधानसभा 56 से निर्दलीय प्रत्याशी अमित शर्मा ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गाजियाबाद की 300 कॉलोनियों को अवैध होने का कारण मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक से पूछा और सवाल खड़ा किया कि आखिर गाजियाबाद में रजिस्ट्री होने के बाद 300 कॉलोनियां अवैध कैसे हो गई। अमित शर्मा ने आगे बताया कि वे ऐसे मेहनत मजदूरी कर अपने और अपने परिवार के सर पर छत का साया करने वाले लोगों की आस बनेंगे और अपनी विधानसभा में अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के लिए दिन रात एक कर देंगे। आगे बोलते हुए अमित शर्मा ने बताया कि जनता ने उनका साथ दिया तो विधानसभा तक भी उनकी विधानसभा के हर एक व्यक्ति की गूंज इस बार पहुंचेगी और उसका प्रतिनिधित्व वह स्वयं करेंगे। अमित शर्मा ने आगे कहा, अगर वह इस बार तख्ता पलट करने में कामयाब रहे और जनता उनके साथ रही तो पहली बार ऐसा होगा कि विधायक के सारे सुख जनता भोगे और जनता के सारे दुख विधायक अपने सीने पर ले लेगा। अमित शर्मा ने गाजियाबाद की जनता से कैंची के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान की खास रिपोर्ट। किसी ने जनता के बारे में सोचा नहीं है और मैंने बड़े अपने 2 साल के जीवन में, जब से 2019 के बाद जो मैंने चुनाव जो पहले मैं हारा था उसके बाद जो मैंने सोचा, जनता के लिए सोचा है और जनता के मुद्दे पर उतरा हूँ। सबसे पहले हमारे गाजियाबाद में 300 कॉलोनियाँ अवैध हो गई, वो किस कारणवश हो गई, हम ये पूछना चाहते हैं अपने शासनकर्ताओं से, चाहे उसमें सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी ने गाजियाबाद पर सत्ताधारी पार्टियां रही हैं, लेकिन किसी ने भी 300 कॉलोनियों को जो अवैध बता रहे हैं वो वैध कैसे होंगी, उसके लिए किसी ने अभी तक कोई योजना नहीं रखी है। वो हम सोच रहे हैं कि हम अपनी जनता के लिए उन 300 कॉलोनियों को वैध करवाने का विधानसभा में आवाज हम बुलंद करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में आप किस तरह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां मुद्रा से चुनाव लड़ रही हैं और हम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपने हम मुद्दे लेकर आए हैं और जन जन तक आप लोगों के माध्यम से आप लोग पहुंचाएंगे हमारी आवाज़, क्योंकि देखो हम पे बहुत ज़्यादा दौलत नहीं है कि हम दौलत के सहारे अपनी बात पहुंचा सके। तो मेरा सभी प्रेस बंधुओं से एक निवेदन है कि हमारी बात आगे से आगे पहुँचाई जा सके और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम जैसे गरीब लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि आज तक जितनी पार्टियां हैं सब ने गाजियाबाद लाइन पार क्षेत्र के लिए कहा है कि हम एक विद्यालय और एक अस्पताल उन्हें देंगे, लेकिन आज तक सभी नाकाम रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहला मुद्दा हमने वहीं से उठाया है कि हम सबसे पहले लाइन पार क्षेत्र में एक स्कूल और एक अस्पताल का निर्माण करेंगे और व्यापारियों के लिए जैसे पॉलीथीन के ऊपर उन पर चालान काटा जाता है, हम उसको रुकवाएंगे। जहाँ से वो पॉलीथीन बनती है हम 10 माइक्रोन की पिन्नी वहीं पे बंद करवाएंगे ताकि ना तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नुकसान हो और ना ही व्यापारी ठेली वाले दुकानदार को नुकसान हो कि वो चालान भरते रहें। और जो पुराने अस्पताल हैं हम उन पुराने अस्पतालों को ही निजीकरण करेंगे और उसमें ही नए नए संसाधन लेकर आएंगे और लगातार जो हाउटैक्स बढ़ता जा रहा है उस हाउटैक्स को पे प्रतिबंध लगाएंगे। भाई अभी 1-2 साल तो हाईटैक्स ना बढ़ाया जाए कि जनता अभी भी परेशान है। कहीं ना कहीं देखिए कि व्यवस्था सबकी ख़राब हुई है, जो 1-2 साल कुछ पीछे जो निकले हैं उसमें किसी को सैलरी नहीं मिली है, कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान है, सब परेशानी सामना कर रहे हैं। ऊपर से सरकार 35% अगर हाउस टैक्स बढ़ाती है तो शायद ये बहुत गलत है जनता के ऊपर। महिलाओं के लिए सबसे पहले सुरक्षा के लिए मजबूती रखेंगे, अगर महिलाओं को और भी कोई समस्या आती है उसका देखो टाइम के साथ जैसे एक कानून भी बदलता है और समय समय के आधार पर कानून रखा भी जाता है, हम उसे मजबूताई के साथ उस टाइम और उस दशा को देखते हुए कठोर कदम की कार्रवाई उठा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितनी भागीदारी होगी? हाँ जी, सरकारी नौकरियों में अगर आप सत्ता में आते हैं सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी होगी? देखिए, मेरे हिसाब से ये कि कंधे से कंधा मिलाने वाली बात है। अगर लेडीज आगे बढ़े तो सरकार के आगे हम वो प्रस्ताव रखेंगे, भाई हमारी बहन बेटों को भी मौका मिलना चाहिए। सत्ता दल के नेता कोरोना काल में बाहर थे, क्या कहेंगे इसका? देखिए, मैं तो उन्हें ये कहूँगा, उन्हें तो इस बार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था सत्ताधारियों को, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं इस बार कि हम राम के नाम पे जितवा दो हमें, तो मुझे एक महाभारत की एक पंक्ति याद आ रही है, द्रौपदी कह रही है
द्रौपदी की लाज जब बीच सभा में लुट रही, वो तो केवल एक नाम बार बार तर रही कि लाज राज मोहन मेरी बचा लीजिए और हृदय विच राम नाम बसा लीजिए। जिन लोगों ने राम के चक्कू मारा हो, जैसा आप देख सकते हैं गाजियाबाद में जो 40,000 के सिलेंडर बिक गए और 300 रुपये का इंजेक्शन 32,000 में बिक गया, उन्होंने कहा राम के चक्कू नहीं मारा। और वो जनता जो थी वो राम की नहीं थी क्या भाई? जो भी जनता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब किसके जन हैं? हम उस परमात्मा के जन हैं भाई। हम सब भी तो राम के ही लोग हैं। और आप कह रहे हैं राम को हम लाए हैं और आप तुम हमें ले आओ और हमें राम के नाम पर वोट दे दो, तो मैं तो ये जनता से अपील करना चाहूँगा, राम के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट होनी चाहिए। और मुद्दा कौन जनता के लिए उठाए उसके लिए बात करनी चाहिए। वैसे कोरोना काल चल रहा है, किस तरह का प्रचार रहेगा, क्योंकि कोविड में पालन भी करना है, किस तरह की आपने टीम बनाई है विधानसभा? देखिए जी, मेरे पास बहुत बड़ा बाहुबल नहीं है और मेरे पे अपने 10-5 मित्र हैं और मैं 10-5 मित्रों के हिसाब से जो चुनाव आयोग ने मुझे प्रोटोकॉल दिया है कि 5 जनों के साथ या 10 जनों के साथ मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करूँगा। हो सकता है मेरे कदम छोटे हों, हो सकता है मैं एक दिन में 2 ही वार्ड में जा सकूँ, लेकिन जाऊँगा मैं मिल मिल के सबसे आऊँगा। ऐसे नहीं करूँगा रन थ्रू मैं दौड़ता नहीं जाऊँगा, मुझे मिल के आना और समझाना है, क्योंकि चिंगारी कहीं अगर लगी और कहीं हवा लग गई जनता ने उठा